राजस्थान की फेमस दाल बाटी की रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस बनती है दाल बाटी, और इसमें स्पेशल बात यह है कि हम बिना अनियन और बिना गार्लिक की दाल बनाने वाले हैं, एक स्पेशल तड़के के साथ। इस तरीके से तड़का लगा के आप अपनी दाल का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। आज दाल बाटी बनाने के लिए हमने दो मेथड यूज़ किए हैं, एयर फ्रायर और कन्वेक्शन अवन का। तो चलिए देखते हैं किसमें बाटी बेटर बनती है। उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और आपकी फीडबैक और सजेशंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दाल को बॉईल करने के लिए कुकर में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए 1/4 कप चना दाल और 3/4 कप उड़द दाल। दोनों ही दालों को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो के 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, और डालेंगे टमाटर बारीक कटे हुए। एक हरी मिर्च भी डाल देंगे बीच में से सिलेक्ट करके, आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और डाला है साथ में कद्दूकस किया हुआ जिंजर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाटर। इनिशियली हम इतना ही वाटर डालेंगे, अगर दाल हमारी गाढ़ी होती है तो हम बाद में पानी ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सीटी लिया हाई फ्लेम पर, उसके बाद गैस को सिम करके 8 से 10 मिनट के लिए दाल को मैंने बॉयल कर लिया है। जब तक दाल बॉयल हो रही है हम बाटी का आटा लगाएंगे। एक छलनी ले लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 कप गेहूँ का आटा, और उसमें जाएगा 1/4 कप सूजी। अब डाला है इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से बाटी बहुत क्रिस्पी बनती हैं और सूजी से भी बहुत क्रिस्पी बनती हैं। तो बस इन सब चीज़ों को हम एक बार छान लेंगे। और फिर उसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। साथ ही में डालेंगे इसमें नमक अपने स्वाद के हिसाब से। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। बाटी जो होती है जनरली घी में ही बनती है और उसका बेस्ट टेस्ट इसी के साथ आता है, बट अगर आप चाहें तो इसमें तेल का, कुकिंग ऑयल का भी मोइन लगा सकते हैं। तो यहाँ हाथों की हेल्प से बहुत अच्छे से हम आटे में घी को मिक्स कर लेंगे, जिससे बाटी हमारी बहुत ही खस्ता बनेगी। आटे में मोइन को चेक करने के लिए आप थोड़ा सा आटा मुट्ठी में लें और उसे बाइंड करें। अगर आपका आटा शेप होल्ड कर रहा है दैट मीन्स उसमें मोइन परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका टाइट डो लगा के रेडी करना है। तो इतने आटे में मैंने 1 कप + 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसका मैंने डो लगाया है। आप भी इसका जब डो लगाएं तो सारा पानी एक साथ नहीं डालें, धीरे धीरे करके ही डालें। और याद रखें कि डो हमारा टाइट होना चाहिए, बहुत लूज़ नहीं बनाएं। तो यहाँ पे डो बनके एकदम रेडी है, टाइट डो लगाया है, और इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उससे पहले हाथ में थोड़ा सा घी लेके आटे के ऊपर लगा दें, जिससे आटा आपका ड्राई नहीं होगा, और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। यहाँ 15 से 20 मिनट हो गए हैं आटे को रेस्ट करते हुए, इसकी बाटी बना लेंगे। उससे पहले आटे को हम थोड़ा सा मसल के और एक सा कर लेंगे। आटे में आप देखेंगे कि बहुत स्मूथ आटा नहीं लगता है, थोड़े थोड़े क्रैक्स रहते हैं, बट इट्स परफेक्टली फाइन। बाटी का आटा टाइट ही लगता है, और जो क्रैक्स रह जाएंगे वो हेल्प करेंगे हमारी बाटी को अंदर तक सिकने में। तो बस आटे को थोड़ा सा मसल के आप एक सा कर लें, फिर आपको जिस साइज़ की भी बाटी बनानी है उस साइज़ के आप इसमें पेड़े तोड़ लें। तो जनरली मैं प्रेफर करती हूँ कि छोटे साइज़ की ही बाटी बनाऊँ, जिसको बेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और वो अंदर तक बहुत ही अच्छे से सिक जाती है। तो यहाँ मैंने रोटी के साइज़ की ही लोई ली है, उसी की बाटी में बना के तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ एकदम स्मूथ बाटी की लेयर नहीं आई है, आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े क्रैक्स हैं, बट दैट्स फाइन। हमें ऐसे ही आटा लगा के बाटी तैयार करनी है। पहले सभी बाटी को रेडी कर लेंगे। इन द मीनवाइल हमने अपने कन्वेक्शन ओवन को 180 डिग्री से प्रीहीट करने रख दिया था 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने हाई रैक का यूज़ किया है, इसमें अपनी बेकिंग ट्रे रखकर इसको 20 से 25 मिनट के लिए 210 डिग्रीज पर बेक कर लूँगी, या जब तक आपकी बाटी अच्छे से कुक ना हो जाए। आप इसको बीच में निकाल के एक बार ज़रूर चेक करें। मेरी बाटी यहाँ पर एग्जैक्ट 20 मिनट्स में बन के तैयार हुई हैं, और ये बहुत ही अच्छे से सिक चुकी हैं। माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन में तो बाटी बहुत ही अच्छी बनके रेडी हुई है। आइए देखते हैं एयर फ्रायर में ये कैसी बनती हैं। तो एयर फ्रायर में बनाने के लिए इसको मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए बेक किया है। बाटी इसको हम अपनी बास्केट में रख देंगे, और ध्यान रखेंगे कि इसके बीच में प्रॉपर स्पेस रहे, जिससे कि एयर जो है इवनली सर्कुलेट हो और बाटी ऊपर और नीचे और साइड से सभी तरफ से बहुत ही अच्छे से इवनली कुक हो।
30 मिनट्स हो गए हैं, एयर फ्रायर वाली बाटी भी बनके एकदम रेडी है, तो आइए इसको भी अंदर से चेक कर लेते हैं। इसकी ऊपर क्रस्ट पे ज़्यादा कलर नहीं आया है, बट ये अंदर से बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल बिस्किट की तरह। तो कन्वेक्शन ओवन में इसमें डिफरेंस यही है कि वो अंदर से थोड़ी सॉफ्ट थी और ये एकदम ही क्रिस्पी बनी है। तो बाटी को सर्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा क्रश कर लें और फिर इसको आप अच्छे से घी में डिप कर दें और फिर इसको सर्व करें। तो ये घी में डिप करने वाला मेथड जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं प्रेफर करते इतना सारा घी खाना तो आप अवॉइड कर सकते हैं। डायरेक्टली माइक्रोवेव या फिर एयर फ्रायर से निकली हुई बाटी भी आप सर्व कर सकते हैं, वो भी खाने में अच्छी लगती है। यहाँ गर्मा गर्म बाटी बनके एकदम तैयार है, चलते हैं अपनी दाल की तरफ। तो दाल भी हमारी यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। दाल भी परफेक्टली बॉईल हुई है, तो इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 कप गर्म पानी। तो इट्स अ टिप हियर, आप जब भी दाल में पानी ऐड करें तो कभी भी ठंडा पानी नहीं डालें, उसे गर्म करके ही पानी डालें। तो पानी यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको किस कंसिस्टेंसी की दाल पसंद है। दाल में तड़का लगा लेते हैं, तो यहाँ पे एक पैन ले लें, उसमें डालें घी और घी के साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ चुटकी भर हींग। हींग के साथ ही इसमें मैंने डाला है जीरा, फिर इसमें डाला है धनिया पाउडर, साथ ही में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद आप गैस को इमीडिएटली टर्न ऑफ कर दें और गरम घी में ही मसालों को रोस्ट होने दें। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है 2 साबुत लाल मिर्च और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दें। तड़का हमारा रेडी है, इसको दाल में हम मिक्स करके अच्छे से मिला देंगे। तो इस टाइम पे जो हमारी गैस की फ्लेम है वो लो है, कुकर को हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है। इस तड़के को बहुत ही अच्छे से हम दाल में मिक्स कर देंगे। दाल को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप इसमें चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। अब इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही में डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और देखने में दाल सुंदर भी लगती है। तो दाल यहाँ सर्व करने के लिए एकदम तैयार है, बस आप इसमें एक बॉईल और ले लें और गैस को ऑफ करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। आज मैं इसमें एक स्पेशल तड़का और लगाने वाली हूँ दाल को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए, तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना है। तो सेम पैन लिया है, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच घी और घी को हम गर्म हो जाने देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम ही रखी है। इसमें डाला है चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर हल्दी पाउडर, इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिर्च डालने के बाद फ्लेम को हम कर देंगे स्लो। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 टमाटर जिसके मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं, उसको इसमें हम इस तरीके से रख देंगे और साथ ही में डालेंगे कुछ हरा धनिया। ट्रस्ट मी, इस सेकंड तड़के से जो है आपकी दाल बहुत ही डिलीशियस बनेगी, आप इसको स्किप नहीं करें, एक बार इसको इस तरीके से बना के देखें। 1/2 मिनट आप कुक होने दें टमाटर को, उसके बाद आप इसको पलट दें और दूसरी तरफ से भी टमाटर को रोस्ट कर लें। तो यहाँ पे हमें टमाटर को एकदम मैश नहीं करना है, ये हाफ कुक रहेगा। तो ये टमाटर के पीसेस को आप दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लें। इस तरीके से आपकी दाल खाने में तो टेस्टी लगेगी ही और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगी। जब भी आपके ये गेस्ट हैं तो नॉट ओनली फॉर दिस दाल, आप किसी भी दाल में इस तरीके से सेकंड तड़का लगा के उनको सर्व ज़रूर करें, दैट विल बी वेरी इंप्रेसिव। तो यहाँ दाल बनके रेडी है, हम उसको भी सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ दाल बाटी बनके एकदम तैयार है, बहुत ही डिलीशियस बनी है, ट्रस्ट मी। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही जल्दी भी बन जाती है और इसे बनाने में मेहनत भी बहुत कम लगती है। एयर फ्रायर में और कन्वेक्शन ओवन में दोनों में ही बाटी बहुत अच्छी बनी है। आपको जो कन्वीनियंट हो आप उसमें इसको ज़रूर बनाएं और मेरे साथ उसका फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।